नंदिनी ने तो हमारी नाक पे दम कर रखा है। साला बना बनाया काम बिगाड़ देता। लड़की के धंधे से अपना काम चलता था, मगर साले ने अपने इलाके को मंगल मसल बना लिया है। सब मिल जाओ और उस कमीने को साफ कर दो। ठीक है, हम सब और वो अकेला मिलते ही ठिकाने लगा देगा। तुम्हारा बाप हाजिर है। पकड़ लो इसे। जानते हो अर्जुन, तुम्हारी माता जी की बीमारी का कारण तुम्हारे पिताजी के साथ हुई दुर्घटना है। हाँ। काश उनका पता चल सकता। डॉक्टर साहब, मैं तो ये भी नहीं जानता तो जिंदा भी है कि नहीं, और अगर हैं तो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अब तो सिर्फ इतना याद है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मगर आप लोगों ने मुझे मुजरिम बनाकर कैद कर लिया। मैं कहता हूँ मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। दिन के बाद से माँ ने कभी होश में बात नहीं की। हमसे हमारा सरकारी क्वार्टर छीन लिया गया, घर से बेघर हो गए हम लोग। डॉक्टर साहब, किसी रिश्तेदार ने सहारा नहीं दिया, सर पे हाथ नहीं रखा। डॉक्टर साहब, पिताजी जेल से भाग के ना जाने कौन से अंधकार में खो गए, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मेरे साथ मेरी पागल माँ थी और दर दर की ठोकरें। माँ का इलाज कराने के लिए मैं सड़कों पे बूट पॉलिश करता रहा, पास्कल के अड्डे पे जूठे ग्लास धोता रहा। डॉक्टर साहब, फिर अपने आंसू छुपाने और दुनिया को असली रंग में देखने के लिए मैंने आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। नंबरी हालात ने मुझे 10 नंबरी बना दिया और मेरी माँ को पागल। बीस बरस से यही होता आ रहा है। जुन, तुम्हारा असली काम है अपने खोए हुए बाप का पता लगाना और अपनी पागल माँ का इलाज करवा के उसको ठीक करना। अगर कुछ तुमको जो हो गया मैं, तो तुम्हारा लाइफ का मिशन और जिंदगी का सारा काम सब खत्म हो जाएगा। अंकल, सच तुमको किसी का डर नहीं, मगर बाय गॉड हम बहुत डरता है। मैं बहुत डरता है। अर्जुन, तुमको हमारा कसम है, मैं ये झगड़ा बंद करो। अंकल, शहर के गुंडों को पता चल गया कि अपने बादशाह ने लड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा? अल्लाह रखा, तुमको तुम्हारा अल्लाह का कसम है मैन, ये बात हम 3 लोगों में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। मान गए कसम अल्लाह की। और फिर बादशाह प्यारे, हाथों से तो बहुत मारा जमाने को, अब जरा दिमाग से मारो। क्या तो ठीक है, मगर अंकल अर्जुन, तुमको हमारा कसम न सही,
तुमको तुम्हारे खोए हुए बाप का कसम है मैन। अंकल तुम ये झगड़ा फिसाद बंद करो अर्जुन, तुमको ये पागल माँ का कसम, ये झगड़ा बंद करो अर्जुन। अंकल मुझको अपनी माँ की सौगंध, आज के बाद हाथ उठाऊंगा तो सिर्फ उस आदमी पर जिसके कारण मेरे बाप के माथे पे कलंक लगा, जिसके कारण मेरी माँ पागल हो गई। अंकल मेरी माँ पागल हो गई। दस नंबर है, दस नंबर है। अरे भैया गेहूँ चावल शक्कर तो ब्लैक में बेचने ही नहीं देता, उसने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। खत्म कर दो साले को। इसीलिए तो यहाँ आए हैं सेठ जी, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सेठ जी इस चाकू से बड़े बड़े नंबरी खत्म कर दिए हैं, दस नंबरी तो एक मामूली सा कीड़ा है। अब मरने से पहले ये सुन लो कि तुम्हारे उस दोस्त के तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। नहीं झूठ, बिल्कुल झूठ, बल्कि उसकी बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। क्या? हाँ हाँ, उसकी बीवी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं। क्या पकते हो? नहीं, तुम्हारी बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। तुम्हारे बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। नहीं, तुम्हारी बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। बहुत हो गया बुट्ठो, अब ये बताओ कि मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? ये हम नहीं बता सकते। अबे चली का दिखता नहीं है, अस्सलाम वालेकुम हवलदार। खबरदार, दस नंबरी का घर यही है। ऐसा पूछ रहे हो जैसे को पूछेगा दाल बम्बई चाहिए। यही है जो हवलदार? खबरदार हो गया, मैं पूछ रहा हूँ दस नंबरी का घर यही है। कसम अल्लाह की यही तो है अपने बादशाह सलामत का दीवाने आम। अबे दीवाने आम हो या खरबूजा, मेरा मतलब दस नंबरी से है। मैं जब से बात करो हवलदार, बादशाह सलामत को दस नंबरी कही तो ईमान से तुम्हारा नंबर कट जाएगा। चल बे चटनी के, हवलदार करण सिंह बादशाह को तुमकी दुखी से काट देता। लगता है बम्बई में नए आए हो। लेकिन बम्बई तो पुरानी है। हाँ तो बादशाह सलामत मिल लो, तुम भी पुराने हो जाओगे। लेकिन वो है कहाँ? ऊपर। क्यों, होने वाला दामाद अब भी अपनी कीमत मांग रहा है? पहले तो जिद कर रहा था कि 5,000 दोगे तो ब्याह होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसे पसीने छूटने लगे, मेरे पांव पर आन पड़ा और कहने लगा मुझे तुम्हारी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चिंता किस लिए बेटा? हाँ? बाप होना बेटी के हाथ पीले करने। इसकी माँ ने मरते समय कहा था कि विदाई के वक्त इसकी झोली में जरूर कुछ डाल देना, और तुम तो जानते हो मैं 3 साल बीमार रहने। तुम ब्याह की तैयारी करो, काम हो जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा आओ बेटी चलो। नानक दुखिया सब संसार। ये तो मालूम हो गया कि 10 नंबरी तुम हो। यह भी मालूम हो गया कि इस इलाके में तुम नए हो। 10 नंबरी? लोग तो अपना नंबर छुपाते हैं, और तुमने ये ठप्पा अपनी छाती पर लगा रखा है। क्यों? इसलिए कि किसी को पूछना न पड़े कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, समझे हवलदार? हवलदार! इस मोहल्ले में ऊंचा बोलने वाले को गूंगा कर दिया जाता है। बकवास बंद! हवलदार, बकवास भी कोई बंद करने की चीज है? एक ही चीज तो खुली रह गई इसे, और खुलने दो। बकौ! मेरे बाप का क्या जाता है? आइंदा ऐसा बोले ना तो तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। मेरा बाप तो मर चुका है, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा साहब पुलिस स्टेशन में तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है। समरे, अच्छी तरह जानता हूं इस इलाके में कोई जुर्म ऐसा नहीं होता जिसकी खबर तुम्हें ना हो। साफ साफ बताओ तुम्हारा हाथ किसके जुर्म में है। बड़े साहब, मैं कोई 1,000 हाथों वाला अवतार नहीं, सिर्फ 10 नंबरी हूं। और इस सेठ का कत्ल इस इलाके में हुआ है, इसके बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो बच्चा। बड़े साहब, इसी इलाके में पिछले हफ्ते गंगू मोची का कत्ल भी हुआ, लेकिन मुझसे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा गया, शायद इसलिए कि गंगू मोची एक गरीब इंसान था। पुलिस के बारे में दोनों एक है, अमीर और गरीब दोनों।
तो फिर जौहरी सेठ ही क्यों? गंगू मोची के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? कलकर नहीं सुना तुमने? गंगू मोची के कत्ल के बारे में तस्तमरी से क्यों नहीं पूछा गया? यस सर। कुछ और पूछना है आपको मुझसे? बस डम्बरे, तुम्हारी भलाई इसी में है तो जौहरी सेठ के कातिलों के बारे में तुम पुलिस की मदद करो। आप जब जब गंगू मोची जैसे गरीबों के बारे में मेरी मदद करेंगे, मैं तब तब जौहरी सेठ जैसों के बारे में आपकी मदद करूंगा। तू मैं गो। अबे कहां मर गया था धंधे के टाइम? सोना छोड़ो, बर्फ फोड़। पहले तुम उस हफ्ते वाले को बाहर फोड़ के आओ, उसके डर से अनारी ग्राहक वहीं अटके हुए हैं। बराबर टाइम पे आता साला हरामी। वो साला तो चला गया। अब इस इलाके में हमारी ड्यूटी है मिस्टर रास्कल। रास्कल नहीं बहन, पास्कल बोलो। पास्कल, हमारा नाम पास्कल है। हमारा नाम करण सिंह। हाँ, पहले का नाम लक्ष्मण था। अरे ठहरो, इधर आओ। नाम से क्या होता है, काम की बात करो। काम? कैसा काम? रास्कल, पास्कल बोलो मैन। अरे जब तुम भत्ते को पत्ता बोलेगा तो हम पास्कल को रास्कल बोलेगा। भत्ता नहीं समझता? नहीं। हवलदार, आज का धंधा हमारा बहुत मंदा है मैन। सब यही बोलता है। ये 20 रुपया। रास्कल। चले, पास्कल बोलो। जब तुम 20 रुपया देगा तो हम रास्कल बोलेगा, 5-20 देगा तो हम पास्कल बोलेगा, नहीं तो ये तुम्हारा सब धंधा बंद करवा देगा। अच्छा, ये लो 100 रुपया। हम हराम के माल को हाथ नहीं लगाता, जेल में डाल दो। Now you are Mr. Pascal. हवलदार। हवलदार कौन है बे? क्या हाल है नंबरी सेठ? थोड़ा लेट हो गया होता तो अपना बहुत नुकसान हो गया होता हवलदार। क्यों नंबरी सेठ, तुम्हारा भी पास्कल से कुछ हिसाब खाता है? अपना हिसाब खाता उससे है जो पास्कल से हफ्ता खाता है, समझे नंबरी सेठ? ये तुम्हारा दरबार आम नहीं है जहाँ तुम्हारा हुक्म डलता हो, समझे? वो पुतला दिखता है। हमसे टक्कर लोगे तो कल तक तुम्हारा भी यही हाल होगा। अर्जुन टक्कर लेगा तो किसी दुर्योधन से टक्कर लेगा, तुम जैसे मामूली हफ्ता बाद से टक्कर लेना तो टक्कर के मुंह पे थूकने वाली बात है हवलदार। तो फैसला हो जाए। किस बात का? दोस्ती के दुश्मनी। तुम क्या चाहते हो? दुश्मनी करके दोनों का नुकसान होगा, दोस्ती करके दोनों का फायदा होगा। तो लाओ मेरे हिस्से के 50 रुपए। वो भी सुन लिया तुमने? तो लो, निकाल लो आधा हिस्सा। हराम के माल को मैं भी हाथ नहीं लगाता। तुम भी? तो चलो फिर किसी तीसरे से बंटवारा हो जाए। नंबरी सेठ, विचार तुम्हारे भी मेरी तरह शुद्ध है। बिल्कुल शुद्ध। रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार।